उत्तर प्रदेश चुनाव में सातवें चरण ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवारों का मतदान कल। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। एमआईएम के 17 उम्मीदवार इन विधानसभाओं में है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आजमगढ़ में 6 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। गोपालपुर से अबूतला को एमआईएम के उम्मीदवार बनाया है। मुबारकपुर से सहालम और गुड्डू जमाली को है। आजमगढ़ से कमर कमाल है, तो वहीं निजामाबाद से अब्दुल रहमान है। दीदारगंज से मोहम्मद जावेद है, तो महनगर से करीम वीर आज़ाद है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आजमगढ़ को फोकस किया है और 6 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। बात करें हम जौनपुर में 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी उतारा है। शाहगंज में नयाब अहमद को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जौनपुर से अभयराज भारती को बनाया है। मंगरा से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने रमजान अली को एमआईएम का उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर में हम बात करें तो गाजीपुर में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने 2 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। गाजीपुर सदर से डॉक्टर मोहम्मद साद आदिल को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है, तो जहराबाद से शौकत अली को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने 2 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी नॉर्थ से हरीश मिश्रा एमआईएम के उम्मीदवार हैं, तो वाराणसी साउथ से परवेज कादिर खान एमआईएम के उम्मीदवार हैं। मिर्जापुर से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बदरुद्दीन हाशमी एमआईएम के उम्मीदवार हैं, तो भदोही से 2 जिलों में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो है भदोही के 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। रविशंकर जायसवाल भदोही से है, तो अवरिया से तिहरी राम है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मुगलसराय से आबिद अली को एमआईएम का उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर, चंडोली से एमआईएम ने 1 ही विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई विधानसभा सुर्खियों में रहा है। जिस तरह से आजमगढ़ में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मुबारकपुर विधानसभा सहलम उर्फ गुड्डू जमाली इस 7वें चरण में सुर्खियों में रहा है। ये जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की है। हमारी लड़ाई किसी हमारे हिंदू भाई के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन पर आया है, तो मैं 2 मर्तबा का विधायक और 4 मर्तबा मुझे हैदराबाद की अवाम ने अल्लाह के फजल व करम से मुझे सांसद के तौर पर मुंतखब किया। और अगर कोई 4 मर्तबा पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतता है, तो मुझे हर समाज का साथ मिलता है हैदराबाद में, तभी तो हम जीतते हैं। हमको जो मुकाबला करने हमसे बीजेपी के लोग आते हैं, हमसे मुकाबला करने कांग्रेस के लोग आते हैं, जब उनको हार तो बोलते हैं ओवैसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की, ओवैसी यह किया। मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं जिस खानदान से या जिस घराने से आता हूं, मैं कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया, मैं कोई रईस खानदान या आला खानदान से निकल कर नहीं आया। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, मेहनत और जुस्तजू की, अपने उसूलों पर डट कर कायम रहे। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान में रहकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। आज यही वजह है कि सरजमीन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने 1984 में अकलियतों के लिए, मुस्लिम अकलियत के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग MBA MCA स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला। हम 2 अस्पताल चलाते हैं। हर साल गवर्नमेंट के 10वीं जमात के उर्दू मीडियम स्कूल में उनकी 10वीं जमात की एग्जामिनेशन फीस हम देते हैं, उनके लिए बैग देते हैं। और अगर कोई बच्चा या बच्ची उसमें उनका 80-90% ग्रेड आता है, तो एक एक को 5-5-6-6 हजार का नख इनाम देते हैं। ये काम कैसे किया हमने? हमने ये काम इसलिए किया कि वहां की अवाम ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अपने मताए अजीज माना, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत बनाई, सियासी क़यादत बनाई, मुत्तहिद हुए, क़यादत बनाई। तो मजलिस ने
इन चीजों को कायम किया। ये तमाम इदारे असदुद्दीन ओवैसी के खानदान के नहीं है, ये तमाम इदारे मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं जाएंगे, ये कौम का सासा है और कौम ही इसकी मालिक रहेगी और सुबह कयामत तक आबाद रहेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि काम आपको करना है। और कैसे होगा काम, यकीनन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने दो मर्तबा मोहतरम गुड्डू जमाली साहब को आपने यहां से विधायक बनाया, मगर अब की बार जो गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़ रहे हैं उसमें और पहले के चुनाव में फर्क यह है कि गुड्डू जमाली अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं, आपकी खियादत को बनाने के लिए लड़ रहे हैं, दलित समाज को एक आवाज देने के लिए, मुबारकपुर की जनता को एक विकल्प देने के लिए। और आपसे गुड्डू जमाली कह रहे हैं कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम अपनी जवानी को नहीं कुर्बान करेंगे, अब हम नेता बनाएंगे ताकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ना भी है, जब तक कमजोर को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जब तक मजलूम से इंसाफ नहीं होगा, जमहूरियत कैसे कामयाब होगी बताइए आप। आज जो गुड्डू जमाली के खिलाफ जो सियासी पार्टियां आकर गुड्डू जमाली की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कमजोर नहीं है ताकतवर है, बीजेपी कमजोर नहीं है ताकतवर है, आप कमजोर हैं। तो इंसाफ ये होना चाहिए कि कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए, ताकतवर को और ताकतवर बनाने से इंसाफ नहीं होता, ताकतवर को और ताकत देंगे वो जालिम बन जाएगा, जुल्म करेगा और करते आ रहे हैं। तो ये लड़ाई आपके हक की है, ये दरी बिछाने नहीं बिछाने की लड़ाई है। और हम चार मर्तबा के एमपी हैं, हम पूछना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, आपने अपने क्षेत्र में आजमगढ़ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या काम किया बताओ, क्या काम किया आपने बताओ, क्या आपने किया बताओ आप। आपको तो यहां की जनता ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिए थे, आपको संसद में भिजाया, मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को बनाया, फिर बेटे को आपने एमपी बनाया, आपने किया क्या यहां पर बताओ हमको, सिवाय डर पैदा करने के, सिवाय खौफ पैदा करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया, हम भी चार मर्तबा के एमपी हैं, एक विधानसभा की मिसाल दे रहे हैं जिसका नाम कारवान है, वहां पर जाइए, गोलकुंडा किला है, उसके दामन में हमने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से हमारी बेटियों की तालीम के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज बनाया है, 10 करोड़ की लागत से। 100